हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले कि एक्सरे टेक्नोलॉजीज का कोर्स क्या है, उसकी पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना है ताकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, पर स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन समझ आएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी जीवन में कई बार विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि उन्हें कौन सा कोर्स करना है। ऐसे में विद्यार्थियों के सामने एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स एक अच्छा विकल्प बनकर उभरता है। एक्सरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे आम टेक्निक में से एक है। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी एक्सरे कराया होगा। ऐसे में हमें इस कोर्स के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। वर्तमान समय में गांव से लेकर मेट्रो सिटी में हॉस्पिटल और नर्सिंग होम की कमी नहीं है। इन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में लैब की सुविधाएं भी होती है। इन लैब में काम करने के लिए एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। इनके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर की आज के समय भी डिमांड बहुत बढ़ गई है। अगर आप भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं कि एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स के बारे में, तो यह वीडियो पूरा जरूर पढ़ें। दिस वीडियो इंक्लूड्स एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स क्या है, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट के कार्यों, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए कोर्सेज, बैचलर इन एक्सरे, डिप्लोमा इन एक्सरे, मास्टर इन एक्सरे, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए योग्यता, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल और सैलरी। एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स क्या है? जब किसी व्यक्ति की हड्डी फ्रैक्चर होती है या फिर उसकी हड्डी में कोई समस्या होती है, तो उसे सबसे पहले एक्सरे करवाने की सलाह दी जाती है। एक व्यक्ति एक मशीन के द्वारा आपके शरीर का एक्सरे लेता है। उस एक्सरे लेने वाले व्यक्ति को हम एक्सरे टेक्नीशियन कहा जाता है। इस कोर्स को रेडियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। रेडियोग्राफी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें मरीज की बीमारी का पता लगाने के लिए उनके अंदरूनी हिस्से की जांच करना सिखाया जाता है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, मेमोग्राफी इत्यादि। किसी भी मरीज का इलाज डॉक्टर ठीक तरह से तभी कर सकता है जब उन्हें उसकी बीमारी के बारे में प्रॉपर पता हो। इसलिए प्रत्येक हॉस्पिटल, क्लिनिक या किसी भी हेल्थ केयर में एक रेडियोग्राफी का होना अत्यंत आवश्यक है। एक्सरे टेक्नीशियन के कार्यों। एक्सरे टेक्नीशियन का मुख्य काम एक्सरे करना होता है। एक्सरे टेक्नीशियन का मुख्य कार्य एक्सरे आदि करते समय रेडियो एक्टिव किरणों से मरीज और आसपास के लोगों का बचाव करना होता है। रेडियोग्राफिक उपकरणों एवं मशीनों की देखभाल करना भी होता है। एक्सरे टेक्नीशियन के पास मरीज को समझने की क्षमता, हार्डवर्किंग, सतर्कता और धैर्य का होना भी आवश्यक है। एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए कोर्सेज। एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन का अहम योगदान होता है। नीचे एक्सरे टेक्नीशियन बनने के लिए कोर्सेज की लिस्ट नीचे दी गई है। बैचलर इन एक्सरे, बीएससी इन रेडियोग्राफी, बीएससी इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी, बैचलर इन रेडियोलॉजी। डिप्लोमा इन एक्सरे, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन एक्सरे, एमएससी मेडिकल रेडियो इमेजिंग, एमएससी पीजी डीप, पीजी सर्टिफिकेट क्लिनिकल रेडियोलॉजी, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी पार्ट टाइम, एमएससी पीजी डीप, एमफिल इन मेडिकल साइंस रेडियोलॉजी। एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए योग्यता। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल या लैब की सहायता तक एक्सरे टेक्नीशियन का काम बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आता है। एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स के माध्यम से एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है। नीचे एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए योग्यता दी गई है। छात्रों को 10+2 को पीसीबी के साथ पास करनी होगी। बैचलर और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए छात्रों को 12वीं में 60% अंक लाने जरूरी है। मास्टर प्रोग्राम के लिए बैचलर डिग्री में 50-55% होने चाहिए। एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल। एक्सरे टेक्नीशियन, असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे टेस्टिंग टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी असिस्टेंट, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर। एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जॉब सैलरी। डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस 18K, आफ्टर 3 ईयर एक्सपीरियंस 25K, आफ्टर 5 ईयर 40K प्लस। डिप्लोमा कोर्स, आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस 13K, आफ्टर 3 ईयर एक्सपीरियंस 20K प्लस, आफ्टर 5 ईयर 30K प्लस। पीएचडी, पर मंथ 80,000 प्लस। तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो? तो ऐसी वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर देना। ओके, टेक केयर, बाय।